हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आप सब ने मेरे लिए प्रेयर की मेरे लिए इतना पूछा, मैं आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। और मेरी आज से या कल से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन में 2 रीडिंग अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रीडिंग नहीं करती हूँ तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि टैरो हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिससे हम कुछ हद तक अपनी टेंशन दूर करते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है। और डेफिनेटली आप सभी लोग यहाँ पर हैं क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और एक दिन में 2 बार मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और प्रेयर्स के लिए। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू एस देम, ठीक है? आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, और देन आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, ये सारी बातें पता लगाऊंगी। रीडिंग के बीच में मैं थोड़ा रुक सकती हूँ बोलते बोलते, क्योंकि उतना बेटर नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेटर है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करते रहिए कुछ टाइम तक मेरे साथ, और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप सभी को पता है ये जनरल है रीडिंग, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, और टाइमलेस भी है। कंप्लीशन आपकी साइड से कार्ड है, ओके। डिसिपेटिंग आपके पार्टनर की साइड से, रिस्पोंडेंस आपकी साइड से, रिजेक्शन आपके पार्टनर की साइड से, एक्सेप्टेंस आपकी साइड से, प्रेयर आपके पार्टनर की साइड से, इनसिक्योरिटीज आपकी साइड से, सेकेंड आइसोलेशन आपके पार्टनर की साइड से। ओह माय गॉड, दोनों ही क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? देखिए, आपकी लाइफ में कुछ चीज कंप्लीट हुई। सबसे पहले मैं आपकी साइड कवर कर देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि बहुत बीमार थे आप, ठीक है, कुछ चीज़ कंप्लीट हुई है, तो इसको आप चाहें तो पॉजिटिव में लें, क्योंकि सनसेट के बाद डेफिनेटली कहते हैं ना, डार्क फेज से निकलने के बाद उजाला आता है, लाइट आती है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसके लिए, जिसको सोच सोच कर ना आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं काफ़ी, क्या होगा आगे, कैसे होगा। अभी आप खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, पर जो भी है सब कुछ एक्सेप्ट भी किया हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ये चीज़ें आप एक्सेप्ट ही करोगे, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, ठीक है, आप बहुत डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है आपको। तो गाइस, ये इनसिक्योरिटीज़ और ये जो फेज़ आप जो देख रहे हैं अपनी लाइफ में, इससे तो आपको थोड़ा सा ना डील करना पड़ेगा, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ मन में मत रखो, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। आपको लगता है कि सब
हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं गाइस आपको भी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक है, कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ के लिए डेफिनेटली किसी के अपने की डेथ हो गई हो, ठीक है। कंप्लीशन का मतलब ये भी हो सकता है। और आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी ना, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ कंप्लीट हुई है, कोई साइकिल कंप्लीट हुई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, किसी अपने की डेथ हुई है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से बट यस, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर और ये चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, हो सकता है आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आपके पार्टनर की साइड से मुझे लगता है कि ये इनको कोई रिजेक्शन फेस करा है इन्होंने रिसेंटली, ठीक है, कोई रिजेक्शन इन्होंने फेस किया है। और ऑलरेडी आपके पार्टनर आइसोलेशन मतलब आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं और इस पर्सन को होप नहीं बची है, ठीक है, कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। और फिलहाल ये प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि या तो कोई जॉब से रिजेक्शन मिला है इस पार्टनर को, या फिर ये हो सकता है कि किसी पर्सन ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी थी, वहाँ से इनका ब्रेकअप हो गया या कुछ इस तरीके से मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं ये पर्सन और कहीं ना कहीं से इनको एक सबक भी मिल सकता है, ठीक है। एक सबक इन द सेंस कि इनको पता चला होगा रियलिटी के बारे में इस रिजेक्शन से, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। चलिए अब आप दोनों की ना एक बार मैं म्यूचुअल एनर्जी देख लेती हूँ, ट्रू लव और ऑरेकल डेक से क्या आता है आपके लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या मत सोच कह रहे हैं। वाओ 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 वाओ, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हो एक दूसरे के साथ। देखो नो डाउट कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। पर यहाँ पर डीप लव भी करते हो एक दूसरे के लिए, ट्रू फीलिंग्स हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो एक दूसरे को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज आप दोनों के अराउंड। दोनों के अराउंड बाउंड्रीज हैं, मतलब कि दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आओ, ठीक है। आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप भी इनर पीस ढूंढ रहे हो और आपके पार्टनर भी, ठीक है। लेकिन यस, प्यार दोनों को एक दूसरे से है और कनेक्शन भी स्ट्रांग है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये है कि ये कनेक्शन इजी नहीं होते हैं। लाइफ आपको कुछ सिखा रही है और लाइफ आपके पार्टनर को कुछ सिखा रही है, ठीक है। तो आपको नीड है कि आप मैनिफेस्टेशन करें, पेशेंस रखें और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा ही करें, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखते हैं क्या आता है टैरोट से। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, टू एसेस मींस न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, जो भी डिसेप्शन है वो ख़त्म होने के चांसेस हैं, रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। वाओ, द सन एंड मून, डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। यस, सन एंड मून दोनों आए हमारे पास। डोंट वरी गाइस, जितना भी डिसेप्शन है वो सब
आएगा आपके सामने, सब आपको बताएंगे ये पार्टनर। मुझे लगता है इस पार्टनर की साइड से आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा पर आ जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं। फिर भी मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप निकालने की कोशिश करती हूँ, मुझे यहाँ से पता चला है, लेकिन मैं कितना टाइम लगेगा और कब तक ये पर्सन, इसका एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। सैक्रिफाइस, पहला ही कार्ड डिले का आ गया, थोड़ा टाइम लगेगा मतलब इसके एक्शन लेने में। वाओ, न्यू बिगनिंग, देखो दोनों मेजर और खाना से कार्ड आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यस, न्यू बिगनिंग तो होगी आप दोनों के बीच में। चूज वाइजली, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे। एंड डिसरप्शन, न्यू बिगनिंग होगी गाइज लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। और डोंट वरी, हो सकता है जल्दी कर ले, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा आपको। डो टू वैल्यू, आप तब तक अपने फाइनेंस पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें। थिंकिंग मैन, ये पर्सन आपके बारे में ऑलरेडी सोचते हैं बहुत। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड चाक्र, आर्कएंजल कैम्यूल, आर्कएंजल कैम्यूल आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी सेंड करते हैं। जर्नी, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें एंड एप्रिशिएशन, दुनिया आपको एप्रिशिएट करेगी डेफिनेटली, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अच्छा करते रहें, ठीक है। ये पर्सन अपने आप आ जाएंगे आपके पास। चलिए अभी कुछ मैसेजेस देखते हैं क्या बोलेंगे आपको। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, you love me, you and me deal with every situation well definitely because spiritual connection hai aapka, you always wish for my success, यू आर माई सोलमेट। देखो सोलमेट कह रहे हैं आपको, ये मानते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, चलिए दो कार्ड लेते हैं। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स एंड यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, वाओ ब्यूटिफुल। तो गाइस डेफिनेटली देखो सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, पर ये अपनी लाइफ से कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ से कुछ सीख रहे हैं, और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों एक होंगे। तब तक के लिए अपना अपना काम कीजिए, खुश रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए अगर सच्चा प्यार मानते हो तो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।